संत कबीर नगर लिए चलते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे, वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे। कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। उस समय आप सब लोग जानते हैं, ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत की तंद्रा में निमग्न जनता को झकझोर कर जगाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए उन्होंने समाज को पहले जगाया और फिर चेताया। यहाँ पर बैठे सभी कबीर प्रेमियों, ऐसी मान्यता है कि संतों के आगमन से धरती पवित्र होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मगहर की यह भूमि भी है। संत कबीर यहाँ पर लगभग 3 वर्ष तक रहे। उस समय ऊसर बंजर तथा अभिशप्त शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मानी जाने वाली यह भूमि उनके आगमन से खिल उठी। यहाँ के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ जल का अभाव। कहा जाता है कि कबीर साहब के आमंत्रण पर नाथपीठ के एक सिद्ध महापुरुष भी यहाँ पधारे और उनके प्रभाव से यहाँ का तालाब जल से भर गया। गोरख तलैया से आमी नदी की धारा भी प्रवाहमान हो गई। अकाल से त्रस्त इस क्षेत्र के लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मानो संत कबीर मगहर आए थे। वे सच्चे पीर थे। वे लोगों की पीड़ा समझते थे और इस पीड़ा को दूर करने का उपाय भी करते थे। उनका कहना भी था कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात दूसरों की जो पीड़ा को समझता है वही सच मायने में पीर कहलाता है। देवी और सज्जनों, कबीर एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वे कपड़ा बुनने का काम करते। आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कटाई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। देवी और सज्जनों, कबीर साहब ने सदैव इस बात पर बल दिया कि समाज से कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखे बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। असहाय लोगों की सहायता किए बिना समाज में समरसता नहीं आ सकती। मनुष्य मात्र से प्रेम ही सच्चा मानव धर्म होता है और वो कहते भी थे कि जे ही घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। उनका पूरा जीवन मानव धर्म का श्रेष्ठ उदाहरण है। उनके जीवन में भी सांप्रदायिक एकता का संदेश छिपा था। आज एक ही परिसर में कबीर की समाधि और मजार बनी हुई है। सांप्रदायिक एकता की ऐसी मिसाल दुर्लभ है। भारत का यह सौभाग्य रहा है कि समाज में समय समय पर उत्पन्न हो जाने वाली कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए ऋषि मुनि, आचार्य सदगुरु, समाज सुधारक और संत प्रकट होते रहे। इसी परंपरा में संत कबीर ने अपने युग में प्रचलित अनेकानेक विचारधाराओं को समन्वित करके उन्हें सहज लोकवाणी में प्रस्तुत किया।
हमारे समाज ने उनकी वाणी और शिक्षा को दिल से स्वीकार किया कि यह देश हमेशा ही अपने में सुधार के लिए तत्पर रहा है। इसी कारण जब दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नामों निशान मिट गया, तब हमारा भारतवर्ष हजारों वर्ष की अटूट विरासत को लेकर आज भी अपने पांव पर मजबूती से खड़ा है। देवी और सज्जनों, कबीर के समय में ऐसी मान्यता थी, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि काशी में शरीर छोड़ने वाले लोग स्वर्ग में जाते थे और मगहर में मरने वाले लोग नरक में जाते। इस अंधविश्वास को झूठा साबित करने के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतिम दिनों में मगहर चले आए। वो एक महान संत थे, सहज संत थे। सहज होना वास्तव में बहुत कठिन होता है, आशक्ति आसानी से नहीं छूटती। कबीर साहब कहते थे कि सहज सहज सब ही कहें, सहज न चीन्हे कोय, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोच। सही माने में जो उन्होंने संदेश दिया था वाराणसी से मगहर आकर के, वो संदेश एक यही था कि किसी स्थान पर रहने, निवास करने और वहाँ पर उसको कर्म भूमि बनाने मात्र से न तो आप स्वर्ग जा सकते हैं न नर्क जा सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत आचरण पर। आपका आचरण अच्छा होगा तो आप किसी भी स्थान पर चले जाएंगे, वो स्थान भी स्वर्ग बन जाएगा। संत कबीर ये मानते थे कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर क्यों ढूंढा जाए, वह तो हमारे अंदर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कस्तूरी का वास हिरण की नाभि में होता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन मान, ऐसे ही घटघट काम हैं दुनिया देखत नाहीं। कबीर ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कुरीतियों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया और गृहस्थ जीवन को भी संतों की तरह जिया। निकट अतीत में वैसा ही जीवन संत रविदास और गुरु नानक ने भी व्यतीत किया। संत कबीर की पवित्र वाणी ने सुदूर पूर्व में श्रीमंत शंकर देव से लेकर पश्चिम में संत तुकाराम और उत्तर में गुरु नानक से लेकर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तक को प्रभावित किया। देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश को श्रीमती आनंदीबेन पटेल का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वे संत कबीर की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सजग प्रयास करती रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक ओर अंधविश्वास एवं गैर बराबरी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और दूसरी ओर जन कल्याण के कामों में भी दिन रात जुटे रहते हैं। संयोग से आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उन्हें उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य विकास और समरसता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।